ये देखो भाई, बुराज के फूल खिलने स्टार्ट हो गए हैं। और डेली ब्लॉग नहीं बनाने का एक और भी कारण है। हेलो गाइज, वेलकम, स्वागत है आपका एक कोनी ब्लॉग में। तो भाई आज काफ़ी दिनों के बाद ब्लॉग आ रहा है और अभी सुबह के 9 बज रहे हैं। मैं आया हूँ भाई खेत में हल चलाने। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया भाई, आज थोड़ा लेट हो गया हल चलाने में। तो 9 बज गए हैं अभी, 10:30-11 बजे तक बैलों को खोल देते हैं। तो भाई जल्दी से मैं हल चलाता हूँ और मिलते हैं बाद में, फिर सारी बातें फिर करेंगे भाई। तो भाई अभी थोड़ी देर भाई बैल खड़े कर रखे हैं मैंने, इतना हल चला दिया। तो भाई हल चलाना काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो रहा है अभी भी, इतनी बारिश हुई, एक दिन पूरी बारिश हुई थी भाई, उसके बावजूद भी ये हाल हो रहा है खेतों का। तो भाई काफ़ी बड़े बड़े ढेल निकल रहे हैं ये, तो काफ़ी ज़्यादा ठोस है ये वाली मिट्टी भाई, चिकनी मिट्टी है इस खेत में। तो भाई काफ़ी ज़्यादा ठोस हो रहा है ये। तो इधर के साइड तो आप सही है, कल मैंने चलाना शुरू किया था, कल इतना हल चलाया इसमें, तो भाई कल काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो रहा था। इधर के साइड तो फिर भी सही है आज, तो अभी कंप्लीट हो जाएगा, थोड़ा सा बचा है। और मम्मी भाई खेत की मेड़ काट रही है, तो इधर के साइड सारा साफ कर दिया, तो यहाँ पर रह गया थोड़ा सा, इसको भी साफ करेगी अभी मम्मी। तो मैं 4-5 महीने से भाई डेली ब्लॉग डाल रहा था, लेकिन भाई कोई ज़्यादा रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिला, इसलिए भाई मैंने सोचा है अब हफ्ते में 1 या 2 वीडियो डालूंगा अब, तो देखते हैं क्या होता है। तो अभी पूजा चाय लेके आ गई भाई, पहले चाय पीते हैं, फिर इतना रह गया थोड़ा सा बचा है, इसको फिर कंप्लीट करेंगे। तो आप चाय पी ली है, अब भाई इन डेलों को पहले फोड़ते हैं इस तरीके से भाई, नहीं तो इसमें जो मोया लगाते हैं हम पटला भाई, नहीं लग पाएगा ढंग से, काफी ठोस हो रहे हैं भाई। तो यहां से आगे तक हैं, इनको मैं कंप्लीट करता हूँ भाई, इसी तरीके से फोड़ने हैं सारे, फिर मोया लगा देंगे इसमें। थोड़ा सा हल चलाना रहा है मेरा, उसको कंप्लीट करूंगा फिर मोया लगा दूंगा। तो गाइस हल भी चला दिया, मोया भी लगा दिया और बैल भी खोल दिया भाई, कंप्लीट हो गया ये वाला खेत। और अब है इसके बाद इसके ऊपर वाला खेत। ये दो खेत भाई काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, मतलब मिट्टी टाइट हो जाती है यहाँ की, जल्दी जल्दी सूख जाती है। तो ये खेत भी कुछ ऐसा ही है भाई, चिकनी मिट्टी वाला, तो ये भी काफ़ी टाइट हो रहा होगा। तो इसके बाद भाई इसको जो देंगे कल, देखते हैं कल सुबह के टाइम शायद मैं इसको कम्प्लीट कर दूंगा। और अभी पहले भाई बैलों को और गाय को जंगल हाँक के आते हैं, फिर मिलते हैं भाई घर आके। चल 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 चल। तो भाई घर पहुंच गया, मम्मी घास निकाल ली है लूटे से। तो भाई लूटे से घास निकालना शुरू हो गया, क्योंकि जहां पर घास होती थी ऊपर यहां सब खत्म हो गई है। अब लूटे से निकाल के खिला रहे हैं। और ये देखो भाई ये क्या कर रहे हैं चिराग, पूजा गोबर उठा रही है, सफाई कर रही है। हाय, अरे मारेगा तेरे को ये, मार देगा, हाय बोल दे, ये मार देगा तेरे को। तो गाइस दिन के 2 बजने वाले हैं, खाना वाना खा लिया भाई हम सब लोगों ने, 3-4 दिन पहले जो बारिश हुई थी उसके बाद भाई लगातार धूप है हर दिन, और आज थोड़ी थोड़ी हवा भी चल रही है, और फसल में भी भाई थोड़ी बहुत जान दिख रही है जो बारिश हुई थी उसके बाद, और हवा चल रही है, इसका अर्थ है कि भाई जल्दी से आप खेत जो
हल चलाने वाले खेत हैं वो भाई जल्दी से सूख जाएंगे और जल्दी जल्दी अब हल चलाना शुरू करना पड़ेगा। आज तो मैंने बैल जंगल खोल दिए हैं, कल से शायद मैं घर पर ही रोकूंगा और सुबह के टाइम भी हल चलेगा, शाम के टाइम भी। तो जल्दी से अभी 3-4 खेत बाकी हैं मेरे, वो कंप्लीट करना है। तो भाई ये देखो थोड़ी बहुत हरियाली दिखनी स्टार्ट हो गई, अब लहसुन की गुड़ाई भी जल्दी करनी होगी, हवा चल रही है, इसके बाद भाई जल्दी से खेत सूख जाएंगे, इससे पहले गुड़ाई स्टार्ट करनी होगी। पूजा बर्तन माँज रही थी पूजा मम्मी। और ये देखो भाई ये आड़ू का पेड़ है, इसमें भाई फूल आने स्टार्ट हो गए, ये देखो भाई। तो इधर के साइड भाई आलू लगा दिए मैंने, ये जगह खाली थी, उधर के साइड तो भाई प्याज लगा रखा है, इसमें आलू लगा दिए। और एक बकरी भी आ रखी है, ये पठिया हो रखी है भाई, काफी ज्यादा कमजोर हो रही है। और इधर के साइड टमाटर का बीज बो दिया और वहां पे भी आलू लगा रखे हैं। और ये वाला खेत कंप्लीट हो गया भाई, हल चला दिया, इसमें मोया भी लग गया। तो 3-4 दिन जब भी ब्लॉग नहीं आया तो भाई इसमें हल चलाया था हम लोगों ने, पापा ने भी चलाया पहले शुरुआत में, फिर उधर की साइड बाद में मैंने भी चलाना स्टार्ट कर दिया था यहाँ से। और ऊपर वाले में आज वो वाला खेत भी कंप्लीट हो गया ऊपर वाले घर के पास, सुबह देखा आपने, तो ऐसा कुछ नज़ारा है आज। हिमालय के साइड हल्के हल्के बादल हैं। तो अभी जा रहा हूँ मैं पनेरा पानी भरने, तो पानी भर के भी लाऊंगा, सुबह के टाइम नहीं भर के लाया था भाई, अभी पानी भी भर के ले आऊंगा। और जागृति आ रही है स्कूल से, उसको भी लेके आऊंगा। तो भाई ये लेके जा रहा हूँ मैं बाछराई और पालक, तो ये किसी ने मंगा रखे थे तो उनको दे के आएंगे। तो चलते हैं भाई पानी भरने। क्या कह रही है? इधर से बल्दे नहीं आए? किसके बल्दे? हाय बोल दे फिर, इधर देख के बोल यार। तो भाई जब करते हैं भाई थोड़ी देर लहसुन की गुड़ाई, तो आज भाई दूसरी बार गुड़ाई स्टार्ट कर रहे हैं इसकी, एक बार पहले गोड़ा था मैंने बहुत पहले, तो अब भाई एक बार और गुड़ाई होगी उसकी। बस हवा चल रही है भाई काफी तेज, तो अभी धूप भी जाने वाली है यहाँ से, तो धूप चल ली जाएगी फिर भाई ठंडो हो जाएगी आज, क्योंकि आज चल रही है हवा। तो थोड़ी देर इसकी गुड़ाई करते हैं, फिर देखते हैं भाई, फिर मिलते हैं। तो झाड़ तो इसमें ज्यादा नहीं हो रहा, बस इसी तरीके से गुड़ाई करनी है इसकी। तो चलो मिलते हैं लास्ट में, थोड़ी देर गोड़ता हूँ मैं इसको, देखते हैं भाई कितना गोड़ पाता हूँ अभी। तो भाई धूप चली गई है यहाँ से और गुड़ाई करनी भाई बंद कर दिया, अब हवा चल रही है काफी तेज, तो इस वजह से भाई थोड़ी थोड़ी ठंड हो रही है। अब जा रहा हूँ भाई गाय लेने। तो भाई वहां से यहाँ तक गुड़ाई की मैंने आधे से नीचे, तो अभी काफी ज्यादा है भाई, तो देखते हैं कितना टाइम लगता है इसको। रोज रोज भाई 1-2 घंटे भी गोड़ूंगा तो हो जाएगा ये कम्प्लीट। तो भाई ये देखो भाई बुरास के फूल खिलने स्टार्ट हो गए हैं, तो अभी सारे पेड़ों में नहीं खिले, अभी स्टार्ट ही हो रहे हैं खिलने, तो धीरे धीरे करके भाई पूरे जंगल में जितने भी बुरास के पेड़ हैं सब में बुरास के फूल खिलेंगे, फिर भाई जंगल में काफी ज्यादा अच्छा लगता है। तो ऐसे कुछ तो गाय ले आया और ऊपर वाले घर पर भाई बात के भी आ गया मैं, एक बछड़ा नहीं आया है, वो आ जाएगा फिर मेरे को दोबारा जाना पड़ेगा भाई ऊपर वाले घर पर उसको बांधने के लिए। और अभी मम्मी गई है भैंस के लिए भाई चारा काटने, और शाम का व्यू देखो एक बार आप, इसके बाद भाई कुछ दिनों के बाद आएगा ब्लॉग। तो भाई ऐसा कुछ नज़ारा हो रहा है शाम का, धूप उस पार चली गई है, बस हवा चल रही है हल्की हल्की। तो भाई 4-5 महीने से भाई डेली ब्लॉग डाल रहा था मैं, लेकिन भाई किसी भी वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिला, इस वजह से भाई थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ा मेरे को। अब भाई 10 दिन में या हफ्ते में 1-2 ब्लॉग देखने को मिलेंगे, जिस दिन भाई मेरे को लगेगा कि हाँ आज ब्लॉग बनाना चाहिए, कुछ जिस दिन कुछ खास होगा तो उसी दिन ब्लॉग बनाया जाएगा, तो ऐसा कुछ सोच रखा है मैंने। और भाई आप लोगों के सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है यार, 500 सब्सक्राइबर हो गए, 525 लगभग 520 हो रखे अभी, तो भाई सपोर्ट करो, वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो, और चैनल पर नहीं हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सपोर्ट करो यार, बाकी और कोई जरिया नहीं है। और डेली ब्लॉग नहीं बनाने का एक और भी कारण है, वो भी आपको भाई जल्दी ही बता दिया जाएगा, जैसे ही भाई मेरे 1K कंप्लीट होंगे तो तुरंत आपको बता दूंगा मैं कि भाई ये कुछ चल रहा था इस वजह से नहीं बना पाया,
लाइफ में कुछ ज़्यादा ही स्ट्रगल चल रहा है भाई, उथल पुथल हो रही है लाइफ। तो ये भी एक कारण है कि भाई डेली ब्लॉग आगे मैं नहीं बना पाऊँगा। तो देखते हैं क्या होता है यार आगे। और इस वीडियो को भाई ज़रूर लाइक कर देना एक, और शेयर कर देना, और चैनल पर नहीं हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, प्लीज़ हेल्प करो। बाकी यार और कोई जरिया नहीं लग रहा मेरे को अभी तो फ़िलहाल। तो मिलते हैं यार अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।